कंपनी का नाम है साइमन बिल्डर्स. वी स्टार्टेड दिस कंपनी बैक इन 2017 जनवरी. एंड हम लोग इसमें घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, विलास, फार्म हाउसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं, रोड्स का काम. लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च की बात है, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तब तो ये था कि स्केयर बहुत ज़्यादा था, लेबर में भी बहुत स्केयर था, हमारी अपनी टीम भी डरी हुई थी, हम लोग खुद भी डरे हुए थे, बिकॉज तब थोड़ा सा हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया था. तो एवरीबडी हैड टू शट डाउन एंड रश टू देयर होम. तो हमने तब एक महीने के लिए काम रोका था, बट एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम खोलेंगे, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग अपने काम को स्टार्ट करें. ऐसा प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि मटीरियल्स कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, प्राइसेस बहुत महंगी हो चुकी हैं, या जो हमारा स्टाफ है या लेबर है उनके घरों से कॉल आ रही होती है कि यार आप लोग अपने ना सकते हैं, अपने ज़्यादा बाहर ना निकलें, बीमारी फैली हुई है, सारा कुछ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी. तो इस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स ने दो काम किए, या तो उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया था, उन्होंने कहा कि हम अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लेबर को गाड़ियाँ नहीं भेजेंगे एंड हम उनको नहीं बुलाएंगे बिकॉज ये हमारे ऊपर खर्चा आता है. ऑन दी अदर हैंड जो हमने किया था, हमने ये किया था कि हमने गाड़ियाँ भेजी लेबर को उनके घरों तक. हमारा लेबर है साउथ पंजाब से आती है, नॉर्दर्न एरिया से, चित्राल सवासन एरिया से आती है. तो हमने उसके लिए ये किया, हमने SOPs रखी हुई है, हम साइट के ऊपर जो बंदा साइट पर है वो साइट पर रहता है, बाहर नहीं जाते. प्लस हमने मास्क, हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज भी हमने दिए हुए हैं. हम SOP रोज फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से. कंपनी का नाम है साइमन बिल्डर्स. वी स्टार्टेड दिस कंपनी बैक इन 2017 जनवरी. एंड हम लोग इसमें घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, विलास, फार्म हाउसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं, रोड्स का काम. लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च की बात है, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तब तो ये था कि स्केयर बहुत ज़्यादा था, लेबर में भी बहुत स्केयर था, हमारी अपनी टीम भी डरी हुई थी, हम लोग खुद भी डरे हुए थे, बिकॉज थोड़ा सा हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया था. तो एवरीबडी हैड टू शट डाउन एंड रश टू देयर होम. तो हमने तब एक महीने के लिए काम रोका था, बट एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम खोलेंगे, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग अपने काम को स्टार्ट करें. ऐसा प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि मटीरियल्स कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, प्राइसेस बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं, या जो हमारा स्टाफ है या लेबर है उनके घरों से कॉल आ रही होती है कि यार आप लोग अपने दिन आ सकते हैं, अपने ज़्यादा बाहर ना निकलें, बीमारी फैली हुई है, सारा कुछ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी. तो इस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स ने दो काम किए, या तो उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया था, उन्होंने कहा कि हम अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लेबर को गाड़ियाँ नहीं भेजेंगे एंड हम उनको नहीं बुलाएंगे बिकॉज ये हमारे ऊपर खर्चा आता है. ऑन दी अदर हैंड जो हमने किया था, हमने ये किया था कि हमने गाड़ियाँ भेजी लेबर को उनके घरों तक. हमारा लेबर है साउथ पंजाब से आती है, नॉर्दर्न एरिया से, चित्राल सवासन एरिया से आती है. तो हमने उसके लिए ये किया, हमने SOPs रखी हुई है, हम साइट के ऊपर जो बंदा साइट पर है वो साइट पर रहता है, बाहर नहीं जाते. प्लस हमने मास्क, हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज भी हमने दिए हुए हैं. हम SOPs रोज फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से. YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें. Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए. YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा.